So we need to be focused on our external environment also. ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी खास करके मैं तीर्थों के लिए कह रही हूँ, हमारी नदियों के लिए कह रही हूँ. हम नदियों को हम अपना गंदा कर रहे हैं, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर करके हमारा पानी जहरीला हो चुका है, टॉक्सिक हो गया, मेटल वेस्ट इतना आ गया, केमिकल्स इतने आ गए, कैंसर इतना बढ़ता चला जा रहा है, ट्यूमर्स इतने बढ़ते चले जा रहे, स्किन डिजीज इतने होते चले जा रहे. उसका कारण है ये केमिकल्स. तो ये एक विचार है, एक विचार है. जिनके पास ज़मीन हो थोड़ा बहुत, हम लोग मैं देखती हूँ औरतों को 10-20 तोला, 50-100 तोला तक खरीद के रखती है जेवरों का. भाई कोई 1-2 एकड़ ज़मीन लेकर के रखो, सब्जी उगाओ, ऑर्गेनिक उगाओ, और ऐसा मैंने साफ सुथरा केमिकल फ्री वेजिटेबल्स को आप खाइए, स्वस्थ रहेंगे. देखिए स्वस्थ रहेंगे तभी तो वजन करेंगे. और ये हमारी जिम्मेदारी हमारे पर्यावरण की तरफ भी है. तो वृक्षों को लगाना, पौधों को जल देना, और कूड़ा ना फैलाना, और प्लास्टिक से दूर रहना. प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो मैंने 10,000 साल में भी ख़त्म नहीं होता. जहाँ आपने फेंक दिया वो वहीं पड़ा रहता है, ख़त्म ही नहीं होता वो. प्लास्टिक का उपयोग कम से कम होना चाहिए, और सूती का इस्तेमाल ज़्यादा करिए. हमारे भारत के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारे भारत के जो ये कपड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं? अमेरिका में कभी एक आध बार ऐसा हुआ, कुछ ज़रूरत थी तो कपड़े के एक स्टोर में गए, वहाँ जो मैं उठाऊं, क्योंकि कॉटन देखती हूँ, जहाँ उठाऊं कॉटन आता मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका. आप हमेशा बाहर का. हमारा देसी इतना अच्छा सामान है, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है, और वो इतना महंगा, मैंने 10 गुने महंगा वहाँ पर बेचते हैं. बड़ी खुशी होती है मुझे जब, अभी पिछले दिनों मैंने इंग्लैंड के एक जगह में, बहुत प्राइम प्लेस में, वहाँ हमारे जो खादी का है जो सामान, उसका एक बहुत बड़ा वहाँ पर बना शोरूम, बड़ा देख के अच्छा लगा. और लेने वाले खुशी से लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखते हुए हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती. और बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर गंदगी फैलाना और चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना जो नहीं चाहिए वो भी. अच्छा एक सुझाव और देती हूँ, देखिए ये काम मैं खुद करती हूँ इसलिए आपको कह, मैं ना करूँ तो मैं आपको नहीं बोलूँगी. 4 महीने पहले हमारे आश्रम में जैसे आयुर्वेद पंचकर्मा क्लिनिक चालू हुआ ना, पंचकर्मा ऊर्जा सेंटर, ऊर्जा नाम रखा उसका, तो वहीं पर कुछ ऐसा संजोग बन गया कि एक डेंटल क्लिनिक भी बन गया. अभी उसको आश्रमवासियों के लिए रखा है जो साधक साधिकाएं वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए. तो मेरे खुद के दांत मैंने वहाँ दिखाए उसको, उद्घाटन मेरे दांतों से हुआ ना, अब मेरे देखो. तो वो डॉक्टर भी यहीं पे है बैठी, तो वो कहने लगी कि मैंने सबके दांत चेक किए इतने सालों, और ये पाया है कि जो लोग नीम की दातुन करते हैं उनके दांत में कीड़ा नहीं होता, उनके दांत जल्दी ख़राब नहीं होते, मसूड़े ख़राब नहीं होते. मैंने कहा भाई बात तो तू बड़ी. हम पिछले 2-3 साल से ऑर्गेनिक टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रही थी मैं, यहाँ नहीं मिलती तो बाहर लेते थे. और जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा चलिए आज से टूथपेस्ट भी गया, आज से तो दातुन चालू, आज से दातुन. और फिर अपना मंजन बनाया त्रिफले का, तो मंजन करते दातुन करते. अब दातुन करने हैं तो फिर नीम के पेड़ भी तो लगाने पड़ेंगे ना, तो पेड़ लगाओ, अपने अपने क्षेत्रों में लगाओ, जहां आप रहते हो वहीं लगाओ. कोई भी जो पब्लिक प्लेस हो वहाँ जो जो लोकल बॉडी है उनसे पूछ के आज्ञा लेके वहाँ पर नीम के वृक्ष लगाइए, वहाँ कड़ी पत्ते के वृक्ष लगाइए, और इसका लाभ हम ही को होगा. तो जितना प्राकृतिक संसाधनों को हम इस्तेमाल करेंगे ना, शरीर उतना स्वस्थ, हमारी प्रकृति उतनी स्वस्थ. और हमारी प्रकृति स्वस्थ तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ साफ पानी तो छोड़ देंगे कि सब केमिकल मार देंगे. We need to be responsible people, समझदार, और अपनी जिम्मेदारियों को हम अच्छे से समझें
अच्छे से करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप सब सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां शांतिर भवतु, स्वस्थ हो, शांत हो, प्रसन्न हो, पूर्ण हो, मंगल हो आपका। तो हमारा मंगल इसमें है जिसमें प्रकृति का भी मंगल होता हो, हम सब एक साथ हैं। ठीक है, मैं मुझे बहुत खुशी हुई आप सबको देख के, गंगा का किनारा घाट सब धो दिए, चमका दिए, और आज आपने अपने शुभ कर्मों की एक छाप ऋषिकेश की भूमि पर छोड़ दी है। प्रभु आप सबका कल्याण करें, और ईश्वर करें जिस मीरा का गुणगान और पद पदावली और भजन आप सुन रहे हैं, उस मीरा के प्रेम की कुछ प्रसादी आपको अवश्य मिल जाए, ऐसी प्रभु से बड़ी प्रार्थना है। वाणी को विश्राम देते हैं। नहीं बावे
जन बिना कछुए नहीं भावे जग माया सब सपनन की जग माया सब सपनन की मोहिला लगन गुरु चरणन की मोहिला लगन गुरु चरणन की Thank you.
चरण बिना कछुए नहीं पावे। मोहे लागी लगन